हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रांग थी, फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, फिर उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग हैं। इन तीनों चीजों के साथ साथ जो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वहाँ साइज बहुत है। इंडिया इज ऑन द टेक ऑफ स्टेज, एक होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्टेज, जहां पे आप कहते हैं टेक ऑफ, जैसे जहाज उठता है ना रनवे पे, फिर एकदम उठता है, तो फिर जब उठता है वो ऊपर को जाता है, उसे कह रहे हैं कि इंडिया इज ने ऑलराउंड डेवलपमेंट की है। ये मेरी साजिश हो रही है मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, ये यहूदी कर रहे हैं। हर आपको नौजवान नस्ल जो है ये नजर आती है, ठीक है, लेकिन उनमें बेरोजगार हैं, मोबाइल के साथ हर टाइम लगे रहते हैं, डिप्रेशन के मरीज हैं। आखिरकार भारत ने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया और ये इसरो के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिनों में से एक है। और ये जो चंद्रयान है ये चंद्रमा पर जो है जाएगा और वहां से डेटा भेजेगा और ये अब लॉन्च हो गया है और अब से तकरीबन 1 महीने बाद ये जो है चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाएगा। अगस्त 15 से 24 के बीच में माना जा रहा है कि ये चंद्रमा की सतह पर जो है लैंड करेगा। ये इसरो के लिए और इंडिया के लिए इतना बड़ा चीज क्यों है? तो इसरो के लिए देखा जाए तो चंद्रयान 2 के बाद उसमें जितनी भी छोटी मोटी कमियां थी वो इसमें दूर किया गया है और अब अगर ये चंद्रमा पर लैंड कर गया तो इंडिया चौथा ऐसा मुल्क बन जाएगा जिसके पास खुद की सेटेलाइट चंद्रमा पर है। इंडिया ऐसा मुल्क बनेगा अमेरिका रसिया चाइना के बाद जिसका खुद का एक सेटेलाइट चंद्रमा पर होगा, एक रोवर होगा। वहाँ रसिया तो सोवियत यूनियन के टाइम से ही वहाँ पर ही मौजूद है, तो ये इंडिया को एक बहुत बड़ा ग्लोबल पावर बनाने की तरफ एक कदम होगा, क्योंकि जहां दुनिया के सिर्फ 4 मुल्क ही हैं तो जाहिर है कि वहां भारत का पहुंचना एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। और ये चंद्रयान 3 इस बार चंद्रयान 2 के कीमत से भी कम में बनाई गई है। जहां चंद्रयान 2 जो लगभग 900 करोड़ से ज्यादा में बना था तो यही वही चंद्रयान 3 लगभग 615 करोड़ में ही बना है। अब भारत कहीं से तरक्की करे और उसकी वजह से पाकिस्तान को दिक्कत ना हो, उसको मिर्ची ना लगे, ये कैसे हो सकता है? जब चंद्रयान 2 का सिग्नल मिलना बंद हुआ था तब उस वक्त पाकिस्तान का जो टेक्नोलॉजी मिनिस्टर था उसने बुरा भला बोला था भारत को, खैर तब उसको भी घेर लिया गया था। मगर इस बार इसरो पूरी तैयारी के साथ है और इस बार पूरी तरह से जवाब भी मिलने तय हैं। अब यह यदि चंद्रयान अगर सफलतापूर्वक चंद्रमा की धरती पर लैंड कर गया तो भारत की टेक्नोलॉजी और भी आगे जाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त मिर्ची भी लगने वाली है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यदि हम सफल हुए तो हमारे पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो कि आज के समय पर अमेरिका और रसिया के पास में है। तो देखना है कि ये चंद्रयान सफलतापूर्वक चंद्रमा की धरती पर लैंड करता है या नहीं। तब तक के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि 3rd लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है और ये कहा जा रहा है कि ये चौथा 4th ऑपरेशनल मिशन है। और इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये जो चंद्रयान है, देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये तकरीबन 24 अगस्त तक जो है ये चांद तक पहुंचेगा। और जारी बात है ये जो चंद्रयान 3 की जो इशू जो इसका मिशन है उस वो ये है कि ये लैंड करे लूनर सरफेस के ऊपर, वहां से डाटा कलेक्ट करे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे और जो मून की कॉम्पोजिशन है उसको डिस्कवर करे। बेसिकली तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके मल्टीपल फायदे हैं, मून की कंपोजिशन चेक करना या डाटा कलेक्ट करना, बहुत सारे और ममालिक कर रहे हैं, लेकिन जारी बात है ये इंडिया का एक्सक्लूसिव मिशन होगा। लेकिन देखिए, बैक इन 1970s जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था तो दैट वाज अ मिशन, दैट वाज अ टाइम जब इंडिया को एक मौका मिला कि वो ग्लोबल एलीट क्लब में बैठे जाके। उस वक्त अगर आपको याद हो कि बड़े थोड़े ममालिक थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। आज अगर इंडिया ये करने जा रहा है और ये कर पाता है तो आप ये इमेजिन कर लें कि ये एक बहुत बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, डेवलपमेंट होगी। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने काफ़ी देर से इसके ऊपर काम कर रहे थे और ये अब आप देखें कि इसके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना एक 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 नई डेवलपमेंट है। और ये
ये बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर सकता है जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया का एक ग्लोबल इमेज बहुत उठाएगा। ठीक है जी, इससे पहले चंद्रयान टू फेल प्रोजेक्ट हुआ था, जारी बात है ये बहुत बड़ी एक्सप्लोरेशन है, पंजाबी कहते ने खाला ही करनी है, ठीक है जानते जाना, तो ये इंडिया अगर ये कर पाता है तो ये आप समझ लें कि इंडिया हिस्सा बन जाएगा अमेरिका का, चीन का, रशिया का, सोवियत यूनियन जब थी रशिया तो तब दे डिड इट। सो अब आप इमेजिन करें जैसे वो कहते हैं ना कि चौथा कंट्री होगा कि वो अपनी अगर ये कंट्रोल लैंडिंग जो है वो चांद के ऊपर कर सके, और एक तरफ आप देखें दिल्ली नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस बैठे हुए हैं, ये सिग्नलिंग इंडिया करता है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सिग्नलिंग करती है। भारत की ये जो सरकार बैठी हुई है ये रिलीजियसली करते हैं, अगर आपको याद हो कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है वो अपने हिंदू लेंस एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं वो कहते हैं कि हमने जो भारत को एज ए स्टेट उठाना है ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा मज़हब कहता है। इट्स नॉट दैट ईजी कि इंडिया जो है वो रातों रात वो कोई सुपर पावर बन जाएगा, लेकिन डायरेक्शन सेट होती है यार। मैं आई एम नॉट लुकिंग इट के जी वो जिसे क्या कहते हैं हम दो चीज़ें हैं ना, वो एक होता है हम कहते हैं द ग्लास इज हाफ फुल और द ग्लास इज जैसे वो क्या कहते हैं हाफ एम्प्टी। ठीक है जी, तो ये वो हमने उस एंगल से अगर देखें तो क्या है ये जो डेवलपमेंट इंडिया कर रहा है ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पॉइंट, और मैं इसको ये अगले 5 साल भी मोदी साहब के पक्के हैं, अगर चांद की सरजमीन पे चंद्रयान 3 लैंड कर जाता है, ठीक है जनाब, तो समझो मोदी जी 5 साल होर, और अगर मोदी जी की सेहत ने इजाजत दे दी तो फिर अगले 5 साल होर, दैट्स व्हाट दिस इज गोइंग टू हैपन। उनको समझ आ गई है कि हमने मुल्क को कैसे लेके जाना है, कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है और खास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रांग थी, फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, फिर उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग हैं। इन तीनों चीज़ों के साथ साथ जो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वहाँ साइज बहुत है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, अगर आप उस पॉपुलेशन के एंगल से देखें तो ये अभी एक बहुत थोड़ा प्रोपोर्शन है जो इस वक्त आप सीईओ लेवल पे देख रहे हैं या सी लेवल पे देख रहे हैं अमेरिका में। इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो आप देखेंगे कि उनके यहाँ एक और बहुत बड़ा उनको फायदा था कि जो Y2K बग आया था अर्ली 2000s में जी। तो उस बग में उस वक्त उनकी लोकल आईटी इंडस्ट्री बहुत ट्रेंड थी और वहां से जैसे ही वो बग आया तो अमेरिका में जब वर्कर्स की नीड आई तो वो लोगों ने अपने बहुत ज्यादा फॉरेन वर्कर्स वहां प्लेस किए अमेरिका की कंपनियों में और बाद में वो बैक ऑफिस ऑपरेशंस में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में इन्वॉल्व होने शुरू हो गए। इंडिया इज ऑन द टेक ऑफ स्टेज, एक होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्टेज जहां पे आप कहते हैं टेक ऑफ, जैसे जहाज उठता है ना रनवे पे फिर एकदम उठता है, तो फिर जब उठता है वो ऊपर को जाता है, उसे कह रहे हैं कि इंडिया इज ने ऑलराउंड डेवलपमेंट की है, सिर्फ एक चीज नहीं की है, हमने सारा कुछ छोड़ के तो न्यूक्लियर बम तो बना लिया है, क्योंकि हमने उस जिद में कि इंडिया के साथ ये कॉन्फ्रंटेशन ये है वो बना लिया है, लेकिन बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो हमने उसे इग्नोर की है। दोनों ने, इंडिया ने और अमेरिका ने कहा है कि टेररिज्म के खिलाफ वो अपना जो है मूवमेंट जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, तो बात ये है कि पाकिस्तान ने इस पे रिएक्ट करने की क्या जरूरत है जब हमने खुद कहा है कि हम खुद टेररिज्म के खिलाफ हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं जैसे कुछ लोगों ने कहा है कि ये पाकिस्तान पे ये वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात ही मुझे लगती है कि या तो नाम लिया गया हो ना वहाँ पाकिस्तान का, एक जनरल स्टेटमेंट है अगेंस्ट टेररिज्म, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो खुद कहा है कि हम टेररिज्म खत्म करना चाहते हैं, तो दैट्स ऑल। क्या वजह है अगर हम बात करें इंडिया की, अभी आज वहाँ से खबर आई है कि उनकी जो स्पेस एजेंसी है इसरो वो सैटेलाइट मिसाइल बना रहे हैं, उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे अभी तक बाइक नहीं अपनी बन रही, हमारे यहाँ पे अभी तक अपना मोबाइल नहीं बन रहा, और दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। उसकी वजह यही है कि जो बेसिक बुनियाद रखी नहीं गई हमारी तलीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से बुनियाद नहीं रखी गई, हमें
बस उलझाया गया है आटा चीनी मकान के ऊपर, बस उलझाया गया इस काम में। हमें ये नहीं बताया गया हमारी तलीम किस तरह की होनी चाहिए थी और बेस को नहीं बनाई लोगों ने। जबरदस्त, ये जो हमारे हुकूमतें आती हैं जाती हैं, ये बस हमको आटा चीनी घी के पीछे रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगाती हैं। ठीक है, मेन काम है कि हम लोगों को तलीम जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी से मुराद ये नहीं कि जो अमेरिका तलीम दे रहा है, जो दूसरे लोग मुल्क में तलीम है वो तलीम नहीं चाहिए। तलीम वो चाहिए जो इंसान को शऊर दे, अवेयरनेस दे, टेक्नोलॉजी का पता चले, हर चीज़ का पता चले जिसके साथ। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं है। इंडिया वो चाहते नहीं है ना, ये जो जो एजेंसियाँ हैं ना, जो भी एजेंसियाँ हैं मुझे चाहती नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम तरक्की कर सके। हमारे जेनों में इस तरह के टीके लगा दिए गए हैं बचपन में ही कि ये इनके अंदर जो शोर जो है ना वो शोर उजागर ना हो सके। बस ठीक हो गया, यानी हमें शुरू में हमें पोलियो का कतरा पिलाए जाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ताकि बच्चे पैदाइश में ही सही इनके जो है ना ये इलम दिमाग के अंदर इस तरह की चीज़ आए ना कि ये आगे बढ़ सके। ये मेरी साजिश हो रही है मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन कौन कर रहा है? ये यहूदी कर रहे हैं। यहूदियों को क्या ज़रूरत है, मुझे ये बताएं। यहूदियों को ज़रूरत यह है क्योंकि ये यहूदियों के कुरान, यहूदियों की जो किताब है ना उसमें ये फरमाया गया हुआ है कि आप कौम सबसे अफजल हो, बाकी सब अहमिश है वही है। ठीक है, इंडिया हमारे से बहुत आगे चला गया। नहीं तो आगे चला गया तो हम क्यों नहीं अभी भी साथ में रहते? सियासतदान जो है उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। बस आप चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो, तो चाहते हैं बेहतर हो, कश्मीर के साथ भी हो रिलेशन बेहतर, बल्कि पीस आए कश्मीर उनको दे दें। अच्छा, क्या वजह इसकी? क्या वजह? यहाँ पे वही बुरा हाल हो जाएगा पाकिस्तान का, ऐसा ही जो उन पर जुलम हो रहे हैं वो तो बंद हो जाएगा ना। अच्छा, वो डेवलपमेंट भी वहाँ पे बड़ी कर रहे हैं, अगर आप कभी खबर देखते होंगे वो वहाँ कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहे हैं जो खबरों में आता है कश्मीर में। हमने करना क्या कश्मीर का, 75 साल से हमें उसके पीछे ही लगाया हुआ है, कश्मीर लेंगे, आज़ादी लेंगे, ये लेंगे, कुछ भी नहीं है, सब लॉलीपॉप है। और एक बात बताएं लास्ट में, अगर कश्मीर हमें मिल जाता है, हमारी जो कंडीशन है ऑलरेडी, अगर कश्मीर की आबादी भी यहाँ आती है तो हम मैनेज कर पाएंगे उन्हें जॉब्स, उन्हें रोटी, उन्हें जो सा फैसिलिटीज दे पाएंगे? जो आगे हमारे 22-25 करोड़ आबादी है वो नहीं समझ रही, इसका बेड़ा गर्क हो गया तो उनका बेचारों का वो उनका क्या करेंगे, वो इंडिया को ही दे दे तो बेहतर है। ठीक हो गया, रिलेशन बेहतर होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए, बिल्कुल हो गया, जबरदस्त। क्रिकेट भी होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, ऐसा ही है। वो नहीं खेल रहे हमारे, अब ये वर्ल्ड कप आ रहा है तो इन्होंने चले जाना है, एशिया कप भी आ रहा है, वो कह रहे हैं हमने नहीं आना, न्यूट्रल मुकाम पे खेलना हमने। ठीक है, दुबई, अबू धाबी, इधर वगैरह, तो हमारे लोग जो है वो चले जाएंगे। चाइना सुई से लेके जहाज तक चाइना हमें बना के दे रहा है, हर चीज़ चाइना बना रही है, वहाँ पे अवाम को उनके मकदार के पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, इधर अभी गरीब बंदा क्वालिफिकेशन नहीं है उसके पास, उसे जॉब नहीं मिल रही। ठीक है।